तो गाइस मैं होंगे देखते हैं आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माइनक्राफ्ट के टॉप 3 ऐसे टेक्सचर पैक्स जो कि आप लोगों के पीवीपी और भी ज्यादा बेहतर कर देंगे एंड आप लोगों का जो एफपीएस है वो भी एकदम अच्छा खासा चलने लग जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 1 टेक्सचर पैक से जिसका नाम है फेसफुल 32x32। ये था एक छोटा सा सिनेमैटिक जो कि आपने देखा और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि कितने अच्छे टेक्सचर आ रहे हैं। तो सर फेसफुल 32 जो टेक्सचर पैक है ये टेक्सचर पैक सच में माइनक्राफ्ट का एक ऐसा टेक्सचर पैक है जो कि टेक्सचर डालने के बाद भी आप लोगों को माइनक्राफ्ट की वाइब नहीं भूलने देगा और आपका जो एफपीएस है वो भी एकदम अच्छा चलेगा। और आप लोग देख सकते हो मेरा लो एंड पीसी उसके बावजूद यहाँ पे कितना अच्छा स्मूथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेम प्ले चल रहा है विथ रिकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ तो मेरा और भी ज़्यादा स्मूथ चलने लग जाएगा। तो सर मैं रिकमेंड करता हूँ आपको भी जरूर डाउनलोड करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें कैसे टेक्सचर्स आते हैं। तो यार यहाँ से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्राफ्टिंग टेबल के कुछ ऐसे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा एकदम 100% टेक्सचर जो इसके हैं वो एकदम रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल्स पे हो जाएंगे। और सच में यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉप के हेड किस तरीके से आप लोग देख सकते हो और ये अपना बीकन यहाँ पे एंड ये अपनी एन्चांटिंग टेबल है। यहाँ पे कुछ चेस्ट है और ये पीछे बुक शेल्फ पे टेक्सचर आप देख सकते हो एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बो के टेक्सचर। तो वैसे सर ये अपनी बो ये यहाँ पे आपको बो के टेक्सचर देखने को मिल जाएंगे एंड फिर आपको देखने को मिल जाएंगे क्रॉस बो के टेक्सचर्स एक नंबर आएंगे। मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ 1080 पिक्सल्स पे सारे पिक्स मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो आपको स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा लॉन्ग मिल रही है मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी स्वॉर्ड है एंड ये नेदराइट वाली है। ओके बाकी यार ये अपनी गोल्डन कैरेट है यहाँ पर गोल्डन एप्पल है जिसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। ये अपना एन्चांटेड गोल्डन एप्पल है जिसके ऊपर जो एन्चांटमेंट लगी हुई काफ़ी अच्छी लग रही है मतलब एकदम शाइनी सी लग रही है। एंड ये अपनी एक से नेदराइट की जिसका लुक आप लोग देख सकते हो कितना सही आ रहा है एंड इससे जब आप लोग किसी भी मारने आओगे तो भाई आपका सच में इतना स्मूथली आप उसको मार सकते हो। एंड यार ये अपनी एंडर आई जिसको एंडर आई और ये अपनी एंडर पल एंड यहाँ पे आप लोगों को टोटेम का टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि सच में यार काफ़ी सबसे ज़्यादा टोटेम का टेक्सचर इसमें आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग सारे ओर्स देख सकते हो ये वाला नेदराइट ब्लॉक है ये वाला है लेपिस ब्लॉक ये वाला है एमराल्ड ब्लॉक ये वाला है रेड स्टोन ये वाला है आयरन ब्लॉक एंड ये वाला है ऑब्सीडियन। एंड अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे ओर्स भी आपके सामने आपको देखने को मिल सकते हैं कितने ज़्यादा एकदम रिजोल्यूशन के साथ में। एंड यस ये हमारे आर्मर से यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आर्मर इक्विप करके बता देता हूँ। तो वैसे ये यहाँ पे हमारा पूरा ऐसा टेक्सचर आता है जब हम इस आर्मर को पहन लेते हैं। तो वैसे ये था हमारा फेसफुल 32 वाला टेक्सचर पैक। आई होप कि आपको ये वाला टेक्सचर पैक पसंद आया होगा। की तरफ जिस टेक्सचर पैक का नाम है अनव इस हमारे पैक नंबर 2 के कुछ सिनेमैटिक सभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पैक नंबर 2 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है एंड किस तरीके की होने वाली है। तो सर पैक नंबर 2 में जो आपको ना ये सारी चीज़ आप लोगों को नॉर्मली लगेगी बाकी यार यहाँ पे आपके जो पीपी में यूज़ होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डायमंड आर्मर की क्या लुक आ रही है एकदम यहाँ पे रीटेक मिल रही है इसको रीमेक कर दिया गया डायमंड आर्मर को एंड सेम एस नेदराइट के साथ भी वही चीज़ हुई है एंड यहाँ पे लैंटर्न और टॉर्च की लुक है वो भी सेम आ रही है मतलब पहले जैसी आ रही है। बट हाँ क्योंकि अगर यहाँ पे बात करिए पीपी के बारे में तो वैसे सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको स्वॉर्ड में यहाँ पे कितना सही टेक्सचर पैक देखने को टेक्सचर देखने को मिल जाएगा जो कि आज सच में देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है एंड मन करता है कि भाई जाके अभी किसी से लड़ाई करें। एंड यहाँ पे आप लोग गोल्डन एप्पल में थोड़ा सा एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे इसकी पत्तियाँ हिल रही है हवा से एंड यहाँ पे गोल्डन कैरेट में भी आप लोगों को ये एकदम एन्चांटेड जैसी लुक देखने को मिल जाएगी जो कि एन्चांटेड आ रही देख सकते हो आप लोग जैसा इसको किसी ने एन्चांट कर दिया हो शाइनी से आ रही है। एंड ये अपनी डाइम सॉरी नेदराइट की एक जो कि यार देखने में कितना ज़्यादा खतरनाक लग रही है इसमें आपको एकदम फील आएगी डेविल्स वाली इस एक को हाथ में देने के बाद जैसा कि आप लोग इसको मेरे हाथ में देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ आप लोगों को इस टेक्सचर पैक में देखने को मिलती है। तो वो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटेम। हाँ टोटेम आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि बंदों को मतलब अपने खुद की स्किन के ऊपर अच्छा लगता है पर थोड़ी सी दूसरे एक बंदे के स्किन के ऊपर है। तो बट हाँ यार ये जो टेक्सचर है ना इसका भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यार आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट्स आ रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने में कूल लगता है। एंड यहाँ पर आपको हमारी नेदराइट की पिकेक्स देखने को मिल सकती है जिसमें कई कई पे ऐसा लेपिस जैसा टेक्सचर आ रहा है। एंड ये हमारी डायमंड वाली पिकेक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बनी हुई है। एंड ये हमारा वाटर बकेट जिसमें यार आप लोगों को वाटर का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमारी आई ऑफेंडर है जो कि आप लोग देख सकते हो कैसे बार बार ऐसे घूम रही है गोल गोल। और ये यहाँ पर है हमारी एंडर पल जो कि आप लोग देख सकते हो कितना मस्त एनिमेशन आ रहा है इसमें। यार ट्राइडेंट आप लोगों को एकदम ऐसा लगेगा कि आप एकदम एक्वा मेन बन चुके हो उसके ऊपर जो टेक्सचर है क्योंकि एंड यार आपकी जो शील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनिमेटेड हो जाएगी क्योंकि देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा एनिमेटेड हो चुकी है। तो ये था हमारा यहाँ पे दूसरा हमारा टेक्सचर पैक की ये सारी पीपी वाली चीज़ें जो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखी। आई होप कि आप लोगों को ये वाली पसंद आई होगी। यार ये वाला मैं अगर बात करूँ ना ये वाला मुझे पीपी में मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। एंड ये है हमारे कुछ ब्लॉग्स
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट ब्लॉक, ये इन सब का टेक्सचर पे वैसा ही नॉर्मल है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इनको कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे आप डिफरेंट आयरन और देख सकते हो, आप आयरन मतलब सॉरी गोल्ड और देख सकते हो, डायमंड और आप लोग देख सकते हो कितना सही लग रहा है। इंडिया वाला जो ये हमारी एशियन डेब्रिस है, जो कि यार देखने में बिल्कुल भी नहीं लगती कि एशियन डेब्रिस है, बट हाँ ये एशियन डेब्रिस है जिसकी लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई है। तो ये था हमारा यहाँ पे दूसरा वाला टेक्सचर पैक। यार चलते थर्ड टेक्सचर पैक की तरफ जिसका नाम है मेजॉइड। आई होप कि आप लोगों को वो वाला भी पसंद आएगा। तो चालू करने से पहले आप लोग उससे कुछ सिनेमैटिक देख लीजिए। ये थे हमारे मेजॉइड एक्स डी के जो हमारे जो टेक्सचर पैक है उसके कुछ सिनेमैटिक्स। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें कैसी चीज होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार जो डायमंड आर्मर है वो कितना चेंज हो चुका है, एंड इसके बीच में हम लोगों को एक लोगो देखने को मिलेगा जो क्या देखने पर काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। एंड यार मैं अगर एक बात करूँ ना तो ये टेक्सचर पैक वन ऑफ द बेस्ट टेक्सचर पैक है फॉर पीवीपी, क्योंकि यार आपका एकदम एफपीएस जो है वो आप लोगों को 100% देता है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को स्काई भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी एनिमेटेड देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम टेक्सचर्स में आ चुकी है, मतलब कि रिजोल्यूशन में आ चुकी है 1080 पिक्सल्स के। एंड यार यहाँ पे आप लोगों को अपना नेदराइट आर्मर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार सच में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है देखने पे। एंड यार अगर आपने इस डायमंड आर्मर को इस आर्मर को आपने एन्चांटेड कर देना और ये और भी ज़्यादा सही दिखने वाला है। एंड यहाँ पर आप लोग अपना आयरन आर्मर देख सकते हो। एंड यार ये वो सारी चीज़ जो आप लोगों को रेगुलरली यूज़ में आती है माइनक्राफ्ट में, तो सर इनकी भी लुक इसमें चेंज हो चुके हैं। इसीलिए यार ये मेरा तो यार मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेक्सचर पैक में इसी को इसीलिए बोलता हूँ पीवीपी के लिए, क्योंकि अरे साथ में पीवीपी के साथ में इतनी मस्त मस्त चीज़ों को भी टेक्सचर दे देता है जो कि रेगुलर यूज़ में आती है। एंड अभी अगर बात करें यहाँ पे सामान की, तो आप लोग देख सकते हो बो का टेक्सचर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है इस वाले में। अब यार बो एकदम कलर मतलब इसका जो है वो भी चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी जो क्रॉस बो, यार इसका टेक्सचर पैक ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट हाँ ये भी देखने में अच्छी लगती है। एंड ये रही हमारी यार नेदराइट की स्वॉर्ड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी छोटी सी, बट यार कितनी ज़्यादा अगर आप इसको एन्चांट कर दोगे तो इसके ऊपर जो एन्चांटमेंट का जो ग्लेंट रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगने वाला है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे अपना जो टोटेम है वो टोटेम कैसा दिखता है। तो यहाँ पे टोटेम का तो इस ज़्यादा इस पर कुछ गोड नहीं किया गया है, बट हाँ ये वाला टोटेम मतलब अपने नॉर्मल टोटेम जैसा ही है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स का भी रुख जो है वो भी चेंज हो चुका है, मतलब कि यार जो एक्स है ना उसको मतलब पूरे 1080 पिक्सल्स पे जाकर रख दिया है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना एन्चांटेड गोल्डन एप्पल जो है उसकी लुक की तरह तैयारी हुई है, जिसके ऊपर जो एन्चांटमेंट चल रही है वो और भी ज़्यादा कूल लग रही है देखने पे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी जो गोल्डन कैरेट है उसके ऊपर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी जो हो की लुक है भाई वो भी एकदम पूरी चेंज हो चुकी है। एंड यहाँ पे अपनी जो पीक एक्स की लुक है भाई यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर गौर किया गया है। यहाँ पे पीक एक्स से देखिए एक शबल तक की लुक को भी चेंज कर दिया गया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाटर बकेट में भी कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं अपनी। एंड यार ये लावा बकेट है जिसका लावा जो एकदम लाल लाल इसमें कर दिया गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आई ओपेंडर कितने ज़्यादा कूल सी लग रही है। एंड यार ये यहाँ पर ये इस टेक्सचर पैक का जो मेन लोगो है उसके ऊपर यहाँ पे एंडर पल को बना दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड बाकी यार हाँ बाकी चीज़ें तो कुछ ऐसी है। एंड यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं यहाँ पे और को भी कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लुक दे दिया गया है, जैसे कि यार यहाँ पे इतना सब कुछ मस्त मस्त लग रहा है। आज के हमारे टॉप 3 ऐसे माइनक्राफ्ट के पीवीपी टेक्सचर पैक जो कि पीवीपी को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मुझे आपके लिए थी अलग अलग पीवीपी टेक्सचर पैक वाली वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस हाँ मैं आप लोगों को एक बार और बता दूँ कि ये बात ये दोनों तीनों टेक्सचर पैक्स थे जो जावा और पी दोनों के लिए बने हुए थे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड हाँ इन तीनों टेक्सचर पैक की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जैसे आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।